मॉर्निंग 10th क्लास, वेलकम बैक यू अगेन इन माय ऑनलाइन साइंस क्लासेस। मैं सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। हमने पहले भी पढ़ा प्रेसिपिटेशन के बारे में, यानी प्रेसिपिटेट का बनना। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? इनसोल्युबल मास, जो पानी में नहीं घुलता। ठीक है, जैसे दूध पाउडर देखा आपने, वो पानी में नहीं घुलता। ठीक है, तो वो क्या है? प्रेसिपिटेट है। पनीर, पनीर का जो आप उसको क्रश कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, नहीं उसके बाद पानी में डिजोल्व करिए, क्या पनीर डिजोल्व होगा? नहीं, वो प्रेसिपिटेट है। द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एन इनसोल्युबल सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट सब्सटेंस प्रेसिपिटेट एंड सेटल डाउन एट द बॉटम। तो इनसोल्युबल सब्सटेंस बनेगा, यानी प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कहां बैठ जाएगा? बॉटम पे बैठ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या रह जाएगा? लिक्विड। उसको फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर करके अलग कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करता हूं तो कलर क्या आता है? व्हाइट। ठीक है, वेरी राइट। तो मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे इसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड क्लासेस में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि CaOH2 में जब CO2 पास करते हो तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये नहीं कि मिल्की व्हाइट व्हाइट कलर बनता है। आंसर देना, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। उसका कलर क्या होता है? प्रेसिपिटेट होते हैं ये, मिल्की व्हाइट। तो और वाटर रिलीज हो जाएगा। सेम विद अनदर रिपीटेड एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये कलरलेस होता है। जैसे हम इन दोनों को मिलाएंगे हमारे पास क्या आ जाएंगे? येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहां प्रेसिपिटेट बन रहे है ना। सेकेंड लास्ट वन ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाम से क्लियर, न्यूट्रल। जब आप कार चलाते हो या बाइक चलाते हो तो गियर लगाते हो। अब बाइक को मैंने रोकना है तो गियर को क्या करते हो? न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या बाइक चलेगी? नहीं। इंजन स्टार्ट रहेगा पर बाइक आगे ड्राइव नहीं होगी। तो न्यूट्रल क्या? जहां एसिड और बेस दोनों इक्वल मात्रा में आ जाए उसे कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। अगर एसिडिटी बढ़ गई मेरे स्टमक में, पहले भी डिस्कस किया था ना, HCl की मात्रा बढ़ गई स्टमक के अंदर, तो फिर क्या पियोगे? मिल्को मैग्नीशिया। मिल्को मैग्नीशिया किसका काम करेगा? बेस का। बेस क्या करेगा? एसिड के साथ मिक्सअप करेगा और मिक्सअप होके क्या बना देगा? उसको न्यूट्रल कर देगा। सेम विद टीथ, दांत। दांत में सुबह आप पेस्ट क्यों करते हो? क्योंकि वो बेसिक है नेचर में। क्योंकि हमारे माउथ में पूरी रात दिन रात भर वो जर्म्स जो काम करते हैं वो सड़न पैदा करते हैं। सड़न क्या है? एसिडिटी। एसिडिटी होगी तो दांत सड़ जाएंगे, तो उसके लिए आप करते क्या हो? बेस का प्रयोग करते हो। बेस में कौन सा यूज होता है? टूथपेस्ट। ठीक है, तो टूथपेस्ट का कैसा नेचर है? बेसिक इन नेचर। तो दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो न्यूट्रलाइज करके हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं। इन विच एन एसिड कंबाइन विद अ बेस न्यूट्रलाइजिंग द एच पॉजिटिव आयन एंड ओ एच नेगेटिव आयन टू फॉर्म वाटर। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये हुआ कैसे? NaOH ब्रेक हुआ, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, HCl ब्रेक हुआ H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। तो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव से मिला, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? H2O। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से कंबाइन हुआ, क्या बना? NaCl। एक चीज को याद रखना, जो किसान होते हैं हमारे, किसान अपने अगर मिट्टी में एसिडिटी का लेवल ज्यादा है तो उसको बेसिक न्यूट्रल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाता है? स्लेक लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर मिलाता है। ठीक है, नंबर टू, जब मधुमक्खी या कोई चींटी आपको काट जाती है तो चींटी और मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCOOH। ठीक है, तो ये हमारे अंदर एसिड रिलीज करते हैं। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोप या फिर हम अमोनिया या विनेगर का प्रयोग करते हैं, जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं और वो हमारे आर्ट स्टीम को, जो हमें सूजन आ रही है या कुछ भी मतलब इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही है, बर्निंग सेंसेशन पैदा हो रही है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको रेडॉक्स रिएक्शन के साथ, विच आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कभी ना कभी बोर्ड में इनके ऊपर क्वेश्चन आया, इस पे तो अभी करंटली 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।